हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मैं परसेंटेज के चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। परसेंटेज वास्तव में बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा आपको। ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप इसके अलावा मैथ ऐसे पढ़ा दूंगा आपको कि इसके अलावा आप कुछ पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। चलो आज शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर में परसेंटेज। अब रेशियो में मैंने इसको डिवाइड किया है कि कौन सा किसके बराबर होता है, कौन सा इसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। आप इन रेशियो को, मैंने इसलिए लिखा है कि आप सबसे पहले इन रेशियो को याद कर लेंगे तो 90% आपका सॉल्व। ठीक है, 1/2 50% के बराबर होता है, 1/3 33.5% के बराबर होता है, 1/4 25% के बराबर होता है, और 1/5 20% के बराबर होता है, 1/6 16.5 यानी 2/3 के बराबर प्रतिशत के बराबर होता है, 1/7 14/7 के बराबर होता है, 1/8 12/1/2 प्रतिशत के बराबर होता है, 1/9 11/1/9 प्रतिशत के बराबर होता है, 1/10 10% के बराबर होता है, 1/11 9/1/11% के बराबर होता है, 1/12 8/1/3% के बराबर होता है, 1/13 7/9/13% के बराबर होता है, 1/14 7/1/14% के बराबर होता है, 1/15 6/2/3% के बराबर होता है, 1/16 6/1/4% के बराबर होता है, 1/20 5% के बराबर होता है, 1/24 4/1/6% के बराबर होता है, 1/25 4% के बराबर होता है, और 1/50 2% के बराबर होता है। दो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर देखिएगा। यहाँ 1/16% कितना है, 6/1/4%, वहीं 1/24% है 4/1/6%। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं 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 मिस्टेक हो जाती है कि 1/16 को भी ये लिख दिया जाता है, अभी 1/24 को ये लिख दिया जाता है, इसमें माइनॉरिटी डिफरेंस रहता है, तो इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना। उसके बाद इन चीज़ों को हम कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे आते हैं ये परसेंटेज, उस कैसे ये चीज़ आ जाती है, 1/2 50% आ गया, 1/3 33% आ गया, ये तो हम सब जानते हैं कि 100% 8 के बराबर होता है। कम्प्लीटली जब भी हम परसेंटेज को करते हैं, परसेंटेज में हम प्रतिशत के सवालों को करते हैं, तो हम मापन कहाँ से करते हैं, 100% से। ठीक है, अब मैं इनको निकाल के दिखाता हूँ आपको, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं पढ़ाता हूँ। 1/100% जिसको हमें मानना ही मानना है, 1/100% ही रहेगा। ठीक, 1/2 1/2 यानी ये कैसा हो गया, आधा हो गया। आधा किसका हुआ, इसी का तो हुआ आधा, इसका मतलब 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 50%। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आज जो भी संख्या हमें यहाँ प्राप्त होती है, जैसे कि जो संख्या यहाँ से हल करने के बाद यहाँ प्राप्त होती है, उसी संख्या से 100% बनता है। देखिए 1/2 50%, और 2 की मल्टीप्लाई अगर 150 से कर दूँ तो 100% आता है। इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट किसको करता है, 1 को करता है। हमेशा ध्यान रखिए, नीचे जो संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं 100 को कंप्लीट करती हैं, 100% बनाती हैं। 1/4 25% को शो करता है, वहीं 1/3 33/3 को प्रतिशत को कॉल करता है। 1/3 100 बराबर 3 से इसको डिवाइड करना है, ये 100 आ गया, 100/3 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 जा 9 बचा 1, फिर 10 हो गया, ठीक 3 जा 9, फिर कितना बचा, 1 बचा, और अपॉन में कितने बचे 3, तो कितना आ गया। ये चाहे तो हम सही में लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, चाहे हम 100/3 लिख सकते हैं, लेकिन ये परसेंटेज रूप में जाता है। जब भी हम उससे 100 से गुणा नहीं कराएंगे, अगर संख्या लिखी हुई है तब तक वो परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। जैसे कि 1/12 लिया मैं, 1/12
हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना, यानी कि ये किसका काम कर रहा है, हंड्रेड परसेंटेज को कन्वर्ट करने में काम कर रहा है ये हंड्रेड, इसीलिए लिखा जाता है यहाँ पे सौ बटे बारह। इसको डिवाइड करें, फोर टू जन एट होते हैं, चार दुनिया आठ, बचे कितने दो, चार पंजे बीस, यहाँ पे फॉर्ट है चार, फोर थ्री या ट्वेल्व, यानी चार तीन बारह, कितना है पच्चीस बटे तीन। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सही में इस तरीके से, ये परसेंटेज तो आ गया, लेकिन इसे हम और भी सही कर सकते हैं, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर होते हैं, बचा कितना एक, एक मैं कहाँ लिख दूँ ऊपर, टोटल क्या हो रहा है, इससे तो मल्टीप्लाई होती है इस वाली संख्या से, जो नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या से जो बीच में लिखा जाता है इसकी क्या होती है, मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, और ये जोड़ देंगे कितना आ जाएगा पच्चीस बटे तीन, प्रतीक्षा एक बटे बारह किसके बराबर होता है आठ से, ये एक बटे तीन प्रतिशत के, समझ में आया, इसी तरीके से सारे निकाले जाते हैं। एक बटा बीस का लेता हूँ, हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे, बीस करेंगे फाइव परसेंट के बराबर होता है। अभी मैंने ये सिखाया, अब ये परसेंटेज से, ये परसेंटेज से इस चीज को कैसे लाएंगे, जो संख्या है हमारी उसको कैसे लाएंगे, सीधी सी बात, पचास प्रतिशत है, मैंने निकाला कि किसका एक बटे दो का था, पचास प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे, इस प्रतिशत जब आया था जब हंड्रेड से मल्टीप्लाई की गई थी, अब क्या कर देंगे इसी में हंड्रेड से डिवाइड, वन अपॉन हंड्रेड, जो प्रतिशत होता है उसकी जगह पे वन अपॉन हंड्रेड आएगा, इसी ध्यान कर लेना। उधर मल्टीप्लाई होती है जब हम संख्या से परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं, जब संख्या से हमें क्या लाना होगा परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज से हमें संख्या लानी होगी, तो हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज लिखा रहता है यहाँ पे उस परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे, वन अपॉन हंड्रेड लिखेंगे, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, फाइव टू जा टेन, यानी कि कितना आ गया एक बटा दो आ गया। उसी प्रकार मैं लेता हूँ एक बटा दस को, दस प्रतिशत को, दस प्रतिशत, प्रतिशत हटाऊंगा, हंड्रेड लिखूंगा, मैंने अभी आपको बताया एक जीरो से जीरो कटेगा कितने के बराबर होता है, एक बटे दस, ये एक दूसरे से रिलेट है, एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें, तभी हमारा रेशियो आएगा, तभी तभी संख्या संख्या आएगी, तभी परसेंटेज आएगा, तभी संख्या आएगी, ठीक है। अब और चीज़ों को देखते हैं, इनसे क्या क्या प्रयोग है, इधर देखते हैं, मैंने आपसे कहा, मैंने इतनी सारी आपको संख्याएं लिखा दी है, इनका प्रयोग क्या है, तो देखते हैं, बहुत आसानी से, बहुत इजीली से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखो मेरे पास एक बटे दस का मान मुझे पता है कितना है, दस प्रतिशत है, सात बटे दस का मान कितना होगा, वेरी सिंपल, एक बटे दस का अलग कर लो, एक बटे दस का कितना है लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बटे दस का दस प्रतिशत है, तो सात का कितना होगा, सात इंटू टेन, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सात मल्टीप्लाई वन अपॉन टेन रहेगा, तो एक फिर भी बटे में, और इसकी वैल्यू कितनी है, टेन परसेंट मैंने लगा दी, कितना आ गया सत्तर प्रतिशत, बहुत, सात बटे दस भाग भी हम निकाल सकते हैं बहुत ईजीली, क्योंकि हमें ये याद है, ये याद है, कोई पूछ रहा है सात बटे दस कितने प्रतिशत के बराबर होता है, सत्तर प्रतिशत के बराबर होता है, तीन बटे दस कितने बराबर कितने के बराबर होता है, तीस प्रतिशत के बराबर होता है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे उसको। अब हम देखते हैं दूसरे तरीके के रेशियो, दूसरे तरीके के रेशियो को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक बार और समझा दूँ थोड़े से, जैसे कि मेरे पास एक बटे आठ बराबर एक बटे दो प्रतिशत है, और मैंने आपसे पूछा तीन बटे आठ का मान बताओ क्या होगा, वेरी सिंपल, तीन इंटू एक बटा आठ मुझे पता ही है, एक बटा आठ का मान कहाँ लिख दूंगा मैं, एक बटा आठ की जगह, तो तीन मल्टीप्लाई
साढ़े 12% जो लिखा हुआ है जिस तरीके से, ठीक 12 दिए कितने होते हैं 36, और ये कितना आ गया 3/2। हमेशा इसमें अभी आपको ध्यान रखना है, ये चीज हमेशा इस वाली संख्या से इसमें छोटी होनी चाहिए। देख लीजिए, देखो ये 1 है 1/11, 1/3, 9/13, हमेशा हर वाली संख्या जो है या जो डिनोमिनेटर वाली संख्या है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। इसमें कैसी आ गई, इसमें अंश बड़ा आ गया, तो क्या करेंगे इसको हल करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, 36 सही 2/3/2 हो गया, 36 सही 3/2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक 36 सही 3/2, यानी मैं इसको भी अब काट सकता हूँ, कैसे 1 सही 1/2 लिख सकता हूँ, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ दूंगा कितना है 3, ठीक। अब आगे की जो संख्या है उसको जोड़ दो कितना आएगा 37, और इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 37/1/2, इसका टोटल प्रतिशत कितना निकल गया है 3/8 का 37 सही 1/8 प्रतिशत। इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है, बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, कोई भी चीज आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो कमेंट में आपसे तुरंत भेजें कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। दोस्तों जब तक आप पूछेंगे नहीं तब भी मुझे पता नहीं लगेगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा, अगर आपको सब कुछ समझ में भी आता है तब भी आप लिखिएगा सर बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, और नहीं भी समझ में आता है तो भी लिखिएगा कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई सर दोबारा बता दो, मैं दोबारा बताऊँगा आपको, एक वीडियो और बना दिया करूँगा, ये प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों की, तो प्रॉब्लम्स नाम से भी वीडियो बना दिया, ठीक है। इधर देखते हैं, जैसे कि मेरे पास ये है, अब ये प्रतिशत आपको दे दिया तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है देखते हैं। 100% मुझे पता है, इसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ 2 भागों में, इसे मैं 100 लिख सकता हूँ, प्लस करके 6 सही 2/3% लिख सकता हूँ, ठीक। इधर देखते हैं 100 क्या होता है, 100 किसके बराबर है, 100% 1 के बराबर है, 1 लिख दिया, 6 सही 2/3% कौन सी संख्या के बराबर है, इसमें देखो 6 सही 2/3% 1/15 के बराबर है, ठीक। इसकी जगह पे मैंने क्या लिख लिया, ये 100% हो गया, 1 आ गया, इसकी जगह पे 1/15 आ गया। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे 15 आएगा, 1 से 15 को डिवाइड कर देंगे 15 ही आएगा, यानी यहाँ पे 15 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 15 से 15 को डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा, एक बार, 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16/15, तो ये किसके बराबर है 16/15। दोस्तों इस चीज का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इस चीज का ये ध्यान रखना है, जब तक आप लोगों को ये नहीं पता है आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने लिख दिया 216 से 1/4, 206 सही 1/4 होता है, किसके बराबर, 200। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 लिख सकता हूँ पूरा, और इसे जोड़ के क्या लिख सकता हूँ, 6 सही 1/4% लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक। 200 को किससे लिखूंगा, जब 100 को 1% 1 के द्वारा दिखाया जाता है, 200 को 2 से दिखाया जाएगा, ठीक है। 6 सही 1/4%, देखो भाई दोस्तों 1/16 का मान होता है 6 से 1/4, मैं इसको यहाँ लिख लूंगा इजी 16 नीचे आ गया, 16 से इसको मतलब 1 से 16 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ठीक है 16 से इसको 32 हो गया, प्लस 16 से 16 को डिवाइड कर दूंगा तो 1 जाएगा, इधर 1 आ गया, तो कितना हो गया 33/16, ये किसके बराबर होता है 33/16।
ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, कल से, अब कल से क्वेश्चन को देखते हैं हम, इस चैप्टर्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या कंडीशंस रहती है, किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं। अब हम बेसिक मेथड नहीं अपनाएंगे, जिस तरीके से हम करते चले आए हैं उस तरीके से अब नहीं करना है, अब ट्रिक से करना है, क्योंकि क्वेश्चंस को हम जब तक ट्रिक से नहीं करेंगे तब तक हम आसानी से और जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। इन क्वेश्चंस को जो भी पता है कि किसी बच्चे का सिलेक्शन किस बेस पे होता है, क्योंकि उसके अंदर एक हुनर रह जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कम समय में कर सकता है, वही एग्जामिनर चाहता है। क्योंकि हमारे यहाँ एग्जाम्स होते हैं उनमें दो तरीके के एग्जाम होते हैं, एक सब्जेक्टिव होते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये तो सभी जानते हो, सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव में यूपीएससी ज्यादातर ग्रेड करता है, जिसका ये यूपीएससी ग्रेड कराता है। इसमें हमें क्या देखना होता है कि आपके विचार किस तरीके के हैं, कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी टिप्पणी रहती है, किस कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है उसके बारे में लिखने को नहीं। मान लीजिए मैंने पूछा आपसे कि अभी जो जनधन वैश्विक मुद्रीकरण हुआ था, या 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, उस पर लिखने को दे दिया जाएगा आपके विचार क्या रहेंगे, क्या रहेगा। वो यूपीएससी कंडक्ट करता है उस चीज़ को, उसको देखता है कि आपके अंदर क्या है, क्या क्वालिटी है, क्या आप व्यक्त कर सकते हैं उसके बारे में। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको क्या बनाया जाता है, एकदम स्ट्राइक बनाया जाता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप उसको में से कौन सा उचित ऑप्शन छाटेंगे, क्वेश्चन की जो प्रश्न है उसकी भाषा में से आपको उस चीज़ को लर्न करना है। क्योंकि आप कोई भी ऑफिसर बनते हैं जो एसएससी थ्रू इसको एसएससी कंडक्ट करता है, इसका टायर थ्री जो है वो इसको कंडक्ट कराता है सब्जेक्टिव, टायर थ्री इसका केवल। वैसे कैसे एग्जाम होते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, इसका प्री और नहीं। तो उसमें क्या किया जाता है, आपको स्मार्ट बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्ट होना चाहिए, बहुत जल्दी आप किसी बात बात को कैंस कर लें, पकड़ लें, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनना है आपको। तो इसीलिए इस तरीके का इन एसएससी में आपके लिए टाइम मैनेजमेंट रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा काम करके दिखाना है, और जो भी क्वेश्चन दिए उसकी भाषा को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसमें जल्दी से टिक लगाना है, इस तरीके का। तो इस बेस पे हमें तैयारी इसी बेस पे करना है कि कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कर पाएं, और ये हम बेसिक से नहीं करेंगे, सॉफ्ट ट्रिक से करेंगे। दोस्तों आप मेरे साथ लगे रहिए, आगे देखिएगा मैं मैथ को कितना ईजी बनाता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ सिखाऊंगा कि आपको मैथ में मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिएगा, मुझे रिस्पॉन्स दे दीजिएगा लगातार कि किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या ख़राब पढ़ा रहा हूँ। आपके रिस्पॉन्स के आधार पर मैं आगे की वीडियो या जो भी कोशिश है अपनी करूँगा। ठीक है, थैंक यू।